भीमनगर स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के लगभग 250 ट्रेनिंग जवान हुए बीमार, बीरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है उपचार। आपको बता दें, भीमनगर स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 12वीं एवं 15वीं बटालियन में ट्रेनिंग के लिए आए लगभग 250 जवान का बीरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रविवार की दोपहर के भोजन के बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई है। जवानों को उल्टी और दस्त हो रही है। रात 9 बजे तक लगभग 250 जवान अनुमंडल अस्पताल पहुंच गए थे। वहीं इसके साथ साथ भीमनगर थाना अध्यक्ष दीपक कुमार एवं बीरपुर SDM नीरज कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर जवानों से उनका हालचाल जाना। जवानों के भीड़ के बीच एक ट्रेनिंग के जवान मुकेश कुमार ने बताया कि लगातार ट्रेनिंग के दौरान खाना खराब मिल रहा था और इस खाने का लगातार जवानों के द्वारा विरोध किया जा रहा था, जिससे आज खाना के बाद ट्रेनिंग कर रहे जवान की तबीयत बिगड़ने लगी। और इस दौरान जब वहां जवान पहुंचे तो खाना बनाने की जगह पर सल्फास की पुड़िया देखी गई है। लगातार जवानों की तबीयत बिगड़ने का सिलसिला जारी है। वहीं उपचार के क्रम में जवानों ने हंगामा भी किया। उपचार के दौरान मात्र एक चिकित्सक होने के चलते बीमार होने की संभावना में अनुमंडल अस्पताल पहुंचे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के ट्रेनिंग जवान ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया। जवानों का कहना था कि इतने बड़े अस्पताल में मात्र एक चिकित्सक के द्वारा इलाज किया जा रहा है, यह इलाज होते होते सुबह हो जाएगा और इतने समय में किसकी जान बचेगी और कौन रहेगा, यह कहना मुश्किल है। वहीं इस क्रम में कई जवानों ने बताया कि अस्पताल में किसी भी दवाई की सुविधा नहीं है, सभी दवा खरीद कर लाना पड़ रहा है। पूछे जाने पर SDM ने कहा कि फूड प्वाइजनिंग का मामला है, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, मैं अभी यहाँ बना हुआ हूँ।